हेल्थ इज वेल्थ, इसी मूल मंत्र के साथ हम हर रोज अपने शो संजीवनी में हेल्थ से जुड़ी किसी एक समस्या या बीमारी की चर्चा करते हैं और साथ ही उन तकलीफों का आयुर्वेदिक निदान भी आपको बताते हैं। इसमें हमारा साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और संजीवनी में हम हर रोज की तरह सेहत से जुड़ी हुई किसी न किसी एक समस्या पर चर्चा करते हैं और आपको देते हैं उसका आयुर्वेदिक समाधान। बीमारियों की आज की कड़ी में हम जिस बीमारी की चर्चा करने जा रहे हैं वो है स्लीप सिंड्रोम। जी हाँ, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें नींद नहीं आती है। रात में बार बार नींद उजड़ जाती है, हर छोटी छोटी बात पे आने लगता है गुस्सा। ये सभी लक्षण स्लीप सिंड्रोम की तरफ इशारा करते हैं। तो आज के एपिसोड में आपको डॉक्टर चौहान बताएंगे कि आखिर क्यों होता है स्लीप सिंड्रोम और क्या है स्लीप सिंड्रोम का आयुर्वेदिक निदान। साथ ही आज संजीवनी टिप्स में आप जानेंगे गाय के दूध के आयुर्वेदिक गुणों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं क्या है स्लीप सिंड्रोम और क्यों होता है ये बीमारी। हो जाइए अलर्ट जब रात में नींद ना आए। हो जाइए अलर्ट जब बार बार नींद टूट जाए। हो जाइए अलर्ट जब बात बात पर गुस्सा आए। हो जाइए अलर्ट कहीं आपको स्लीप सिंड्रोम तो नहीं। तो चलिए डॉक्टर साहब से सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है स्लीप सिंड्रोम और कितनी गंभीर बीमारी होती है ये। डॉक्टर साहब बताइए। जी देखिए, सबसे पहले तो ये आपने पूछा क्या होता है स्लीप सिंड्रोम। अगर देखें दो शब्द हैं, स्लीप और सिंड्रोम। स्लीप कहते हैं निद्रा को, नींद जो हमारी होती है। सिंड्रोम इज ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, लक्षणों का एक समूह, उसको सिंड्रोम बोलते हैं। तो यहाँ पर संकेत यही मिलता है कि क्या है ये बीमारी। संकेत से हमें नाम से पता चल रहा है कि नींद जब ठीक प्रकार से ना आए किसी व्यक्ति को तो उसको स्लीप सिंड्रोम या स्लीप डिसऑर्डर भी इसको कहा जाता है। नींद ना आने का क्या मतलब है यहाँ पर कि आपको नींद आने में कठिनाई होती है, आप सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती है, या फिर जो है नींद आ जाती है लेकिन बार बार आपकी नींद खुलती रहती है। कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि नींद आ जाती है, 3-4 घंटे नींद आएगी लेकिन फिर एकदम से नींद खुल जाएगी, उसके बाद फिर उनको नींद नहीं आती है। बहुत अर्ली मॉर्निंग 2-3 बजे कई बार आँख खुल जाती है, उसके बाद फिर नींद नहीं आती है। तो ये तमाम लक्षण अगर आपको हैं तो इसको हम कह सकते हैं स्लीप डिसऑर्डर या स्लीप सिंड्रोम। अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि स्लीप सिंड्रोम के लक्षण क्या होते हैं। डॉक्टर साहब कैसे इसको पहचाना जा सकता है? देखिए लक्षण एक तो ये होता है कि कभी कभी आपको नींद नहीं आती है, किसी दिन अचानक से नींद ना आए, वो उसको हम स्लीप सिंड्रोम या स्लीप डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। लेकिन लक्षण ये है कि आप जैसे दिन में कई बार लोगों को देखा होगा आपने, बैठे बैठे ही सो जाते हो, कई बार आप टीवी देखते देखते सो जाते हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पर कुछ चेक कर रहे हैं, नींद आ जाएगी। कुछ लोग तो ड्राइविंग करते करते भी सो जाते हैं। थकावट दिन भर बनी रहती है, सुस्ती बनी रहती है, नींद आती रहती है दिन भर। इसका मतलब रात को नींद प्रॉपर नहीं आई आपको। इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव अगर हो जाए, थोड़ी सी चीज़ पर एकदम से आपको चिड़चिड़ापन आ जाता है, माइंड आपका कमज़ोर हो जाता है, कंसंट्रेशन पावर आपकी ठीक नहीं होती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, या फिर ऐसा आपको लगता है कि छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी समस्या आ गई है, नेगेटिव माइंड अगर आपका हो जाए, ये लक्षण अगर आपको सब है तो कहीं ना कहीं हो सकता है, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण उसमें ये भी हो सकता है कि शायद आपको नींद अच्छी नहीं आती है। और नींद अच्छी ना आने का केवल इतना मतलब नहीं है कि आप गहरी नींद नहीं सोते हैं, अगर आपका सोने का टाइम भी गलत है, वो भी हम इसमें स्लीप डिसऑर्डर में आयुर्वेद की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ उसको मानेंगे। आयुर्वेद में हम ऐसा मानते हैं कि जब आपको सोने का टाइम हो गया है उस समय आपको सोना चाहिए, यानी कि रात्रि जब आती है, शाम ढल जाती है, खाना वाना आपने खाया, उसके पश्चात सोने का टाइम है, टीवी देखने का टाइम नहीं है, कंप्यूटर पर जाने का टाइम नहीं है, वो 10 बजे सो जाना चाहिए आपको। अगर आप सोएंगे 3 बजे और 4 बजे तो फिर दिन भर आपको ये स्लीप डिसऑर्डर या स्लीप सिंड्रोम आपको वो लक्षण होंगे, तो वो भी गलत माना जाता है आयुर्वेद में, वो भी एक इसका लक्षण है कि अगर आप रात देर से सोते हैं और फिर आपके ये लक्षण आते हैं तो वो भी इसी बीमारी में गिना जाएगा। डॉक्टर साहब से जानते हैं कि अगर समय रहते स्लीप सिंड्रोम की समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो सेहत से जुड़ी और कौन कौन सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है
जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देखिए निद्रा जो है, नींद, वो हमारे माइंड की डाइट है। हमने पहले भी कहा है, स्लीप इज द डाइट ऑफ आवर माइंड। नॉट ओनली माइंड, हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखने में नींद का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम सही नींद नहीं ले पाएंगे तो शरीर में भी अनेक प्रकार की डेफिशिएंसी, अनेक प्रकार की कमजोरियां हो जाएंगी। आपने देखा होगा कुछ लोगों को कहते हैं कि पिंडलियों में बहुत तेज तीखा दर्द होता है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको वो कहेंगे कि आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो गया है। रेस्टलेस लेग ऐसा कि जैसे आपके पैरों में जैसे कुछ भड़क लग रही है, उसमें कुछ हड़कल सी हो रही है, तो वो एक इसके वजह से होता है। स्लीप एपनिया भी हो सकता है, जब नींद पूरी नहीं आती तो आपको सोते समय फिर स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। दिन में जो सुस्ती बनी रहती है, दिन में नींद आना, ये भी एक उसका एक कॉम्प्लिकेशन है। मानसिक रोग तो अनेक प्रकार के होते हैं। अगर आपका मन जो है वो पूरी तरह से पोषित नहीं होगा नींद के द्वारा, तो मन आपका फिर विकृत होगा, उसमें कई प्रकार की बीमारियां आएंगी। कौन कौन सी बीमारियां आएंगी? डिप्रेशन आएगा, एंग्जाइटी आएगी, बाइपोलर डिजीज आपने सुना होगा, मैनिक डिप्रेशन आएगा, अनेक प्रकार के जो मानसिक रोग जो आपको डॉक्टर लोग बताते हैं, वो तमाम रोग नींद के कारण भी हो सकते हैं। यहाँ तक भी देखा गया है कि लोगों की याददाश्त बिल्कुल खत्म हो जाती है नींद अगर प्रॉपर ना आए, और अगर नींद बिल्कुल नहीं आती है तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे कि आदमी पागल होता है। नींद आना हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे माइंड के लिए बहुत जरूरी है, तो इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए कि प्रॉपर नींद जरूर आए। और प्रॉपर नींद का मतलब रात को सोना, ऐसा नहीं कि दिन भर सोएं और रात भर जगें, उससे भी दिक्कतें आपको आएंगी। कॉलर, चलिए अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं स्लीप सिंड्रोम से पीड़ित रोगियों को क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, क्या सलाह देंगे? देखिए सावधानियां इसमें मुख्य रूप से यही है कि जैसा आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। मन में एक छोटी सी चीज अगर आ गई आपके तो आपकी नींद उड़ा देती है। आपने कई बार देखा होगा कि बड़ी जोरदार नींद आपको आ रही है, अचानक से कोई मैसेज आ गया किसी का या फोन आ गया, और फोन पर आपको किसी ने कुछ ऐसी बात सुना दी जिससे कि माइंड आपका तुरंत एक्टिवेट हो गया, तो आपको नींद नहीं आएगी, कई कई घंटे तक नींद नहीं आएगी। तो मन माइंड को रिलैक्स रखने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग बड़े सेंसिटिव हैं, जिनका माइंड बड़ा सेंसिटिव है, उनको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि जब वो घर पहुंच जाते हैं शाम को तो कोशिश करें कि वो इस तरह की बातचीत किसी से ना करें जिससे उनका मन और ज़्यादा उत्तेजित हो जाए या बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाए। कई बार आपको लगता है कि कहीं से कोई खबर मिली है तो आप उसको रोक भी सकते हैं, कहते हैं मैं इसको सुबह ही देखूंगा, अभी मुझे नहीं देखना। अगर मैंने अभी मैसेज पढ़ लिया तो हो सकता है मेरे को इसमें कुछ ऐसी समाचार मिले कि मुझे नींद ही नहीं आएगी, तो प्रिकॉशन लेना चाहिए। खबर ही देखूंगा, अभी मुझे नहीं देखना। अगर मैंने अभी मैसेज पढ़ लिया तो हो सकता है मेरे को इसमें कुछ ऐसी समाचार मिले कि मुझे नींद ही नहीं आएगी, तो प्रिकॉशन लेना चाहिए। खाने पीने में भी ध्यान रखना चाहिए, उत्तेजक पदार्थों का, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और आइए अब बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे स्लीप सिंड्रोम की समस्या से बचने के आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए सबसे पहले तो नींद आने के लिए बहुत जरूरी है कि माइंड आपका शांत रहना चाहिए। बहुत बढ़िया है, आपको अगर माइंड शांत नहीं होगा, माइंड एक्टिवेटेड रहेगा तो आपको नींद नहीं आएगी। अक्सर लोग क्या करते हैं, ऑफिस में तो काम करते ही वहाँ मन माइंड आपका हमेशा जो है एक्टिवेट रहता है, एक्टिव रहता है, कुछ ना कुछ वो सोच रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। लेकिन जब आप घर आते हैं तब भी हम वही काम करते हैं, वहाँ पर भी रिलैक्स नहीं करते। आते ही पहले चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, उससे माइंड और स्टिमुलेट हो जाएगा। फिर टीवी खोलेंगे, टीवी में भी कुछ ऐसी चीज़ें आप देखेंगे जिससे माइंड आपका और उत्तेजित हो जाएगा। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ अल्कोहल पीते हैं, तो ये क्या है कि माइंड को और ज़्यादा हमारे माइंड को उत्तेजित कर देता है। शाम को जब आप घर आएँ, आराम से रिलैक्स हों, थोड़ा शवासन करें, डीप ब्रीदिंग करें, बहुत फायदा होगा। सोने से पहले गुनगुने पानी से अगर आप स्नान कर लें, या अगर बाथटब है आपके पास तो उसमें गर्म पानी भर के थोड़ा बाथ अगर लें तो बहुत बढ़िया नींद आएगी, बड़ी मस्त नींद आएगी। आप करके देखिए इसे, क्योंकि शारीरिक शक्ति उससे, शरीर की थकान उससे दूर हो जाती है, माइंड भी रिलैक्स हो जाता है स्नान के पश्चात। और तलवों में देसी घी की मालिश करें, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। सोने से पहले एक कप दूध गरम गरम पिएं, उसमें चाहे तो थोड़ा सा देसी घी, अगर आपको पच जाता है आराम से तो थोड़ा देसी घी डाल के पिएं, बहुत बढ़िया नींद उससे आएगी आपको। इसके अतिरिक्त सॉफ्ट म्यूजिक सुने, बिल्कुल क्लासिकल म्यूजिक, कुछ सितार वादन, बांसुरी वादन अगर आप सुनेंगे उससे माइंड रिलैक्स हो जाएगा। कई प्रकार के एरोमा, खुशबू, अगरबत्ती वगैरह का आप प्रयोग करें जो आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं, उससे भी आपको नींद अच्छी आएगी। और इसके अतिरिक्त जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि कोई भी कारण हो आपका, उस कारण को जरूर
डिस्कस करिए डॉक्टर्स के साथ, उसका निवारण जरूर करिए ताकि परमानेंटली आपका रोग ठीक हो। अब आपसे किए वादे के मुताबिक हम अब डॉक्टर साहब से जानते हैं संजीवनी टिप्स के बारे में, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं गाय के दूध की खूबियाँ जो बना सकती हैं आपको ज्यादा सेहतमंद। जी डॉक्टर साहब, देखिए गाय का दूध तो बहुत गुणकारी है और हमारे यहाँ तो आयुर्वेद में बड़ा अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन है। बहुत ही इसके अंदर खास तौर पर शारीरिक पोषण के लिए और मस्तिष्क के पोषण के लिए बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, इसलिए गौ को माता भी कहा गया है, क्योंकि ये बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है लेकिन हर वर्ग के लोगों के लिए गाय का दूध अच्छा है। आजकल एक बड़ी डिबेट चल रही है कि भाई जब हम वृद्धावस्था में आते हैं या युवावस्था में आते हैं तो उस समय दूध हमारे को पचता नहीं है क्योंकि हमारे अंदर जो एंजाइम्स हैं वो खत्म हो गए। यूरोप वगैरह में इस तरह की डिबेट काफी चल रही है, लेकिन गाय के दूध में वो चीज नहीं हम मानते हैं। गाय का दूध जो है किसी भी वर्ग का व्यक्ति पी सकता है और उसको फायदा पहुंचाएगा। बच्चों के लिए, मस्तिष्क के विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। और जिन लोगों को माइग्रेन होता है, सिर में दर्द होता है, वो गाय के दूध में थोड़ा सा केसर डाल के पिए तो उनको बहुत लाभ होता है। गाय के दूध में आपको मालूम है कैल्शियम की मात्रा काफी होती है, तो जिन लोगों को हड्डियों की बीमारी है, हड्डियां कमजोर हैं, वो जरूर दूध पिए। जोड़ों के दर्द जिसमें है वो दूध जरूर पिए, साथ में थोड़ी हल्दी मिला के पिए तो और भी अच्छा है। जो अंदर उसमें कई ऐसे तत्व होते हैं कि हमारी जो आंतें हैं, आंतों की भी रक्षा करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है वो। कई प्रकार के रोग जो आंतों में हो जाते हैं, आंतों का कैंसर तक हो जाता है, अगर आप नियमित रूप से दूध पीते हैं तो कई रोगों को प्रिवेंट भी करता है। इसमें ऐसे कुछ अच्छे तत्व पाए जाते हैं। और इसके अलावा महिलाओं में जो है मासिक धर्म के समय, मेंस्ट्रुएशन के समय कई प्रकार के लक्षण हुआ करते हैं, किसी को दर्द होता है, किसी को चक्कर आ जाते हैं, किसी को जो है बुखार चढ़ जाता है, जब या मासिक धर्म से पहले के जो सिम्टम्स होते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स उनको बोलते हैं PMS, ऐसी महिलाओं के लिए भी दूध जो है बहुत फायदा करता है। गाय का दूध वो रेगुलर पिए तो उससे उनको लाभ होगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के। थैंक यू। और आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको हम बता दें कि हमारे नंबर 01294040404 पर आप फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jeeva.com, और साथ ही साथ फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jeeva-ayurveda। तो फिर इसी उम्मीद के साथ कि हमेशा सेहतमंद रहें आप, हमेशा मुस्कुराते रहें।